हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके तो अभी सब ठीक है। आप लोगों को लिंक मिला था असाइनमेंट का बना नोट्स डालने का। हरे कृष्णा। हाँ मिला था लिंक मिला था। हाँ हरे कृष्णा मैं समझ गया। हाँ सबको म्यूट हो गया है अभी आप बता सकते हैं। सिर्फ हरे कृष्णा ही बोलते हो, मेरे क्वेश्चन का आंसर कोई देता नहीं जो एकेडमिक्स को लेकर। अच्छा छोड़ो, ये देखो ये वाला क्या है, आप लोगों को सबको नोट्स भेज देना है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लिंक भेज दिया था, तो मुझे कल नीलाक्षी का क्या बोलते हैं राजशेखर सर का फॉरवर्डेड मैसेज आया कि नीलाक्षी तो भेज नहीं पाती, तो उसने व्हाट्सएप कर दिया। गुड नीलाक्षी, आपने क्या है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और आपने नोट्स काफ़ी अच्छा बनाया, मैं आपके नोट्स से जा रहा था तो मुझे नोट्स बहुत अच्छा लगा। उसमें अपने कलरफुल पेन इस्तेमाल करके बहुत ही साफ सुथरे तरीके से एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा है। गुड वेरी गुड नाइस ओके। यस तो अभी बताओ जरा कि एक्सरसाइजेस में सब लोगों ने लगाया या नहीं लगाया, ऐसा कोई बंदा है जो क्या बोलते हैं जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं लगाया? सब लोगों ने लगाया एक्सरसाइज? नहीं लगाया हो, पक्का नहीं लगाया हो? बोलोगे सर नोट्स तो बना रहे थे, टाइम नहीं मिला, एक्सरसाइज भाई दूज था, दिवाली थी, ये था वो था। नहीं अभी इतने सारे आप लोगों को क्या बोलते हैं नहीं लगाया। अच्छा कुछ लोगों ने किया कुछ लोगों ने नहीं बनाया, तो देखो जिन लोगों ने नहीं बनाया है तो राइट तो बना लें बराबर, और जिन लोगों ने बना लिया है तो वो अपने डाउट्स क्या है गोला 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 उन्होंने मारा होगा डेफिनेटली, तो वो क्लियर करा लें मुझसे राइट। अच्छा पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं फटाफट फटाफट आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन तो फटाफट फटाफट हो ही जाएगा है ना, तो ये पहले करते हैं। आप लोग अपना आंसर्स दीजिए और हम इसको करते हैं। सो द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ ए सोल्यूट इन 2 मोल्स ऑफ वाटर इज, एक मिनट देखो, वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ ए सोल्यूट इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। बताइए क्या है इसका आंसर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इतना, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है जिसमें 2 मोल सोल्यूट डाला है 2 मोल पानी में, 2 मोल सोल्यूट 2 मोल पानी में डाला है क्या आएगा? डी आएगा। कैसे निकाला पहले का आंसर आप लोगों ने कैसे निकाला? ये आपके पास पानी है, हाँ 2 मोल वाटर राइट, और कितना मोल सोल्यूट डाला ऊपर से? 2 मोल सोल्यूट, तो 2 मोल सोल्यूट डाले गए हैं 2 मोल पानी में, और पूछ रहा है वेपर प्रेशर। ओके तो वेपर प्रेशर क्या होगा? राइट 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 राइट। फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला? डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X2 राइट। P1 नॉट कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 24 mmHg। सो 24 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, पानी का मोल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है? 2/4, 1/2, तो आंसर आ जाएगा 12 mmHg। सो
वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, राइट, ये आपका डेल्टा पी है। डेल्टा पी कितना लगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ, 12 mmHg का प्रेशर घट गया। तो बड़ा कौन था, बड़ा आपका सोल्यूशन का था, सॉरी, P1 naught इज ग्रेटर देन P1, राइट। तो हम क्या लिखते हैं, P1 naught - P1 इज इक्वल टू 12 mmHg। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 naught - 12 विच इज इक्वल टू 24 - 12 विच इज इक्वल टू 12 mmHg, बराबर ना। तो राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। ठीक, 12 mmHg। तो सभी को समझ में आ गया कि कैसे ये क्वेश्चन करना है, एकदम आसान क्वेश्चन है। बस आपको पहचानना है कि कौन सा क्या दिया है, फॉर्मूले में पुट करना है और बस आंसर निकल गया। चलो, वेरी गुड। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इज, अब बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? आप बोलोगे सर ये सारी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। नहीं, वेपर प्रेशर थोड़ा ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। हाँ, अरे वेपर प्रेशर कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, रिलेटिव लोअरिंग। हाँ, और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वेरी गुड। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यस, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, ओके। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैलकुलेटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन, वाह, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो फिर सल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को किस में नापते हैं, मोलैरिटी में, मोलैलिटी में, मोल फ्रैक्शन में या मास परसेंट में? मोलैरिटी में, करेक्ट। फॉर्मूला क्या है, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर मापते हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा, पाई इज इक्वल टू mRT आता है, राइट। एम क्या है, मोलैरिटी। तो करेक्ट आंसर इज ए, गुड। इब्यूलायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, इब्यूलायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, केबी। तो केबी की वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बराबर तब होगी जब कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, हाँ, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, केबीएम होता है ना, केबीएम होता है। तो अगर मोलल कॉन्सेंट्रेशन 1 आ जाए, अगर ये एम की वैल्यू 1 आ जाए तो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, के बी के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन द सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलल, देन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द एबियोलायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, गुड। ओके, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, के एफ होता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है, राइट। तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब मेरे पास पानी था, चीनी डाल दिया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा क्या, गलत है ना, वो तो कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट इज लोअर देन दैट ऑफ ए सॉल्यूशन, पानी था, आलू डाला तो अभी जल्दी उबल जाएगा पानी, गलत, राइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट, अच्छा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है ना, तो सॉल्यूवेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन से क्या होगा, कम होगा, बराबर है। सो ये हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, बी। तो टीबी यानी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, तो हम बोलेंगे कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से, वेरी गुड। बाकी सब तो गलत है, समझ में आता है। नेक्स्ट, ए लिविंग सेल कॉन्टेंस ए सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विथ 0.3 मोलर सुगर सोल्यूशन, ओके, वट ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्स वेन द सेल इज प्लेस्ड इन 0.1 मोलल कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन एट बॉडी टेम्परेचर, ओके। तो क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये एक सेल है, क्या है, एक सेल, तो एक छोटा सा सेल कंटेन्स अ सोल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विथ 0.3 मोलल शुगर सोल्यूशन, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन उसका 0.3 मोलर हो गया। वट ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्स, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है जब सेल को हम 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन के सामने रखते हैं,
तो ये है 0.1 मोलर केसीएल, राइट, और ये है आपने किसके कांटेक्ट में रखा है 0.3 मोलर केसी, ये 0.3 मोलर सुगर या सेल के बराबर आपने कॉन्सेंट्रेशन में रखा है। तो पूछ रहा है कितना ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा, बताइए कितना ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा, कैसे निकालें। पाई इज इक्वल टू एम आर टी होता है, बराबर ना, पाई निकालना है। अभी मोलरिटी कितनी लेंगे, रुको, मोलरिटी कितनी लेंगे, 0.1 या 0.3। ऑस्मोसिस होगा मोर कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट से किसकी तरफ, राइट, डाइल्यूट, ये डाइल्यूट, डाइल्यूट कौन सा है, 0.3 मोर कॉन्सेंट्रेटेड, 0.1 डाइल्यूट है, तो इधर से इस तरफ डेवलप होगा। तो मैं जो प्रेशर डालूंगा वो इसके ऊपर डालूंगा ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाए। तो प्रेशर आपका 0.3 के ऊपर डल रहा है ना, 0.1 आया, 0.1 डालोगे। व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन एट बॉडी टेम्परेचर, इसमें 0.1 लेंगे या 0.3 लेंगे, 0.1 या 0.3, कैलकुलेशन में ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करने के लिए। हाँ, ऐसा करते हैं एमआरटी का प्रेशर निकालते हैं, प्रेशर निकालते हैं 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.0821, 0.0 लीटर रेडियम पर मोल पर केल्विन, ओके, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है एट द सेम बॉडी टेम्परेचर, एट बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर इन्होंने कितना लिया है, 25 डिग्री। बॉडी टेम्परेचर तो हमारा कितना रहता है, 25 डिग्री, रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, इन्होंने बॉडी टेम्परेचर कितना लिया है, पॉइंट थ्री लिया तो 7.33 आता है, 25 डिग्री लिया है, समझा। देखो 0.3 लेके करोगे, ये 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 25 मतलब 298 केल्विन, राइट, तो कितना आएगा, 7.33, ओके, एटीएम आएगा। अच्छा अगर हम मोलरिटी 0.1 लेके निकालते हैं तो बताओ कितना आ रहा है, 0.1 इंटू 0.0821, नहीं बताओ, बताओ तो कितना आ रहा है, इंटू 298, कितना आ रहा है अभिषेक, 2.44। अब माइनस करो इसको, 7.33 माइनस 2.44, सेवन पॉइंट थ्री थ्री माइनस 2.44 कितना आएगा, फोर पॉइंट नाइन एट, 4.8, 4.8, समझ में आया ना, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, सी आएगा ना, हाँ, तो 4.92, राइट, दिस इज द आंसर। क्योंकि देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये एक प्रेशर है, ये एक मोलरिटी का प्रेशर है, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ गया ना, तो उतना प्रेशर हमको ऊपर से लगाना पड़ेगा ताकि वो रुक जाए, उतना प्रेशर को रोक दे, तो आंसर सी आएगा फिर। ठीक है, चलो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.65 एटीएम एट 310 केल्विन, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आइसोटोनिक विद ब्लड हैज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे रहे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड कितना है, 7.65 एटीएम है, ठीक है, वो भी 310 केल्विन पे, बराबर। फिर हमने एक एक्वा सोल्यूशन लिया ग्लूकोज का, और उसका ब्लड का आइसोटोनिक था, तो पूछ रहा है कि ये नाक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आइसोटोनिक विद ब्लड, राइट, आइसोटोनिक विद ब्लड हैज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना है, बाय वॉल्यूम हमको परसेंटेज निकालना है, ओके, तो 100 ml में आपको कितना, बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम अपन वॉल्यूम ना,
चलो ये क्वेश्चन निकालना पड़ेगा फिर तो। 7.65 ATM, वो भी 310 केल्विन पे, ठीक है। तो चलो जरा देखो हमारे पास क्या है, पाई 7.65 ATM है, राइट, और टेम्परेचर कितना है 310 केल्विन, यही दिया है ना, 7.65 ATM, 310 केल्विन, ओके। और एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड हैज द परसेंटेज, चलो ये हो गया। अभी देखो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, एमआरटी आती है बराबर, तो पाई की वैल्यू दी है 7.65 अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय टी, तो 0.0281 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन इंटू 310 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलैरिटी मिल जाएगा, ओके। तो इसको जरा चेक करते हैं मोलैरिटी कितनी आती है, कैलकुलेटर, जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन मल्टीप्लाइड बाय 310, तो 25.451 आया, ओके। 7.65 डिवाइडेड बाय 25.451 आंसर आ रहा है 0.3, ओके ठीक है। तो मोलरिटी आ गया इसका 0.3005, ऐसा करके है इन्होंने, तो ये मोलर है, दिस इज मोल पर लीटर, तो दिस इज आपका मोलरिटी आ गया, ठीक है। अब ये है मोलरिटी आ गया किसका, ब्लड का मोलरिटी आ गया, आपने फिर इसको किसके साथ आइसोटोनिक में रखा, ग्लूकोज के साथ आइसोटोनिक में रखा 310 केल्विन पे, तो पूछ रहा है कि उसका वॉल्यूम कितना आएगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम पूछा है, an aqueous solution of glucose isotonic with blood has the percentage by volume, कितना percentage आएगा, ओके। चलो तो समझ में आ गया, देखो आप ऐसे सोच के चल सकते हैं कि ये जो है ये किसका कॉन्सेंट्रेशन आया, ये ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन आया, और इसी ब्लड को हमने क्या कर दिया, आइसोटोनिक रखा, इस ब्लड को हमने आइसोटोनिक रखा किसके साथ, ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ, तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना आएगा, 0.3005 मोल पर लीटर आएगा बराबर, क्योंकि दोनों आइसोटोनिक है ना। अभी देखो हमारे पास वॉल्यूम अज्यूम करते हैं, क्या वॉल्यूम अज्यूम करते हैं, वॉल्यूम है लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर, राइट, अब 1 लीटर है, तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा, 0.3005 मोल्स आ गया बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज इक्वल टू 0.3005, तो वेट हमको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का होता है 180, राइट ना, C6H12O6, तो कितना आएगा, 12 6 72 प्लस 12 48, 12 6 72, 16 6 कितना आएगा, 96, राइट। तो ये हो गया आपका 4 और ये 6 10, 7 8 9 9 18, तो राइट, तो कितना आएगा, 180 आएगा, करेक्ट। तो 180 को 0.3005 से डिवाइड करो तो गिवन वेट मिल जाएगा, कितना है जरा चेक करो, 180 को 0.3 180 मल्टीप्लाइड बाय
180 मल्टीप्लाइड बाय 0.3005, 54.09 आएगा, 54.09। 600 कैसे आएगा रे? 54.09 ग्राम आएगा, ग्राम। तो इन्होंने क्या पूछा है? वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है ना, परसेंटेज बाय वॉल्यूम पूछा है। तो परसेंटेज, हाँ सॉरी डिवाइड, ओके परसेंटेज बाय वॉल्यूम पूछा है। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या है? गिवन वेट अपॉन गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू 100 कर देंगे। वॉल्यूम एमएल में होना चाहिए, ठीक है। तो प्रति 100 ml के लिए हम निकाल रहे हैं, तो गिवन वेट कितना निकला? 540 अपॉन 0.09 ml में। 1 लीटर हमने अज्यूम किया था, तो 1 लीटर कितना है? 1000 ml मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 से ये 0 0 कट गया, आंसर कितना आया? 54% बाय वॉल्यूम। ऐसा कोई ऑप्शन है भी 54% बाय वॉल्यूम जो निकला हमारा? राइट, 54% तो नहीं निकला हमारा। 53.4% एक तो है, 53.4% तो एक है, ऑलमोस्ट हमारा 54% निकला। लेकिन अभी हम चेक कैसे करें हमारा आंसर सही है या गलत है? कोई तो टेक्निक होनी चाहिए। कुछ पीछे आंसर दिए हैं, फाइव पॉइंट फोर वन, 5.41 कैसे आएगा रे? अरे फाइव पॉइंट फोर वन कैसे आएगा? गिवन वेट तो 540 आया, इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.3 से, ये 180 को इसे डिवाइड करेंगे तो 18 इतना पॉइंट। मैंने क्या गलत किया क्या? फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, सही तो क्या? अरे अरे बाबा, यहाँ पर गलती हो गया। देखो 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो आंसर आ रहा है 54.09, 54.09 ग्राम आएगा, ठीक है ना। अब ये 54.09 मतलब इधर है ऑलरेडी, डॉट इधर है, इससे 10 करें तो 5.41। हाँ यस 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 यस, वहीं पर हमारी गलती भी थी, तो 5.41 आया, 4 है। तो फिर हमारा जो राइट आंसर है, न्यू शेयर यहाँ पर ज़रा करते हैं, तो राइट आंसर हमारा है 5.41%। हाँ तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे निकालना होता है, किस तरीके से निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं। ओके तो किसी को लिखना है वो वाला आंसर, छापना है तो छाप लीजिए। ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को छापना है तो आप इसको छाप लीजिए। ब्लड को ग्लूकोज के साथ आइसोटोनिक में रखा गया, मतलब ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन जितना ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन उतना। तो आप लोगों ने छाप लिया? ओके वेरी गुड। तो सोम से तो हरी झंडी मिल गई है, बाकी लोगों का क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो न्यू शेयर,
तो हमारे पास ये हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके जरा बताओ इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? तो वेपर प्रेशर क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या लिखेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ए, करेक्ट ना, ए आएगा। ओके प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम फॉर फूड। जब हम खाना पकाते हैं तो क्या होता है, आपका समय घट जाता है, जल्दी खाना आपका पक जाएगा। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन कुकिंग इज इंक्रीज्ड, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। राइट, हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कुकिंग स्पेस। हम देखते हैं कि प्रेशर कुकर प्रेस्टीज का बढ़िया, अच्छे से पानी हर जगह फैल जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कुकिंग स्पेस, द हायर प्रेशर इनसाइड द कुकर क्रशिज द फूड मटेरियल। बोल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इतना ज्यादा प्रेशर प्रेशर कुकर में होता है कि आपने जो आलू डाल रखा हो तो इसे क्रश कर देता है। कुकिंग इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस हेल्ड बाय अ रेज इन टेम्परेचर। तो कुकिंग से क्या होता है, कुछ केमिकल चेंज होने लगते हैं जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। गलत। देखो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ए है, दिस इज राइट आंसर। उसका आंसर बी दिया है सर, 9th का बी दिया है। क्या बात कर रहे हैं, 9th का बी दिया है क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ऐसा कैसे? वेपर प्रेशर तो क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट को। जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालते जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर घटता चला जाएगा। अच्छा। अरे हाँ, राइट राइट राइट। देखो ये वाला आंसर जरा रीचेक करो, रिकंसिडर करो। क्या रिकंसिडर करना है? कि देखो जैसे जैसे हमें पानी के अंदर सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर पानी का क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। तो सॉल्यूट की मात्रा बढ़ी तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा, तो ये बढ़ा ये घटा, मतलब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ गए ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, बट वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। करेक्ट, राइट अभिषेक, वेरी गुड। इसको फिर चेक चेंज कर लो, इसका करेक्ट आंसर आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। हाँ, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, करेक्ट। अच्छा देखो इसका क्या आंसर आएगा, प्रेशर कुकर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो टाइम रिड्यूस कैसे होगा? बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज होगा तो जल्दी पक जाएगा ना, तो जो आपको पकने में आधा घंटा लगता था वो अभी पकने में 20 मिनट लगता है, तो आपका टाइम सेव हो गया। सिंपल है ना? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ए गैस मिथाइल ब्रोमाइड इज 0.159 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एट 250 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या दे दिया इन्होंने, हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब KH की वैल्यू। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.164 atm। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मिथाइल ब्रोमाइड को अगर मैंने ऊपर से पार्शियल प्रेशर दे के रखा है 0.164 atm का, तो कितना वो सॉल्यूबल होगा पानी के अंदर 25 डिग्री पर। तो कैसे इसका आंसर निकालते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन x। अच्छा तो इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया P इज इक्वल टू KHx, ये तो हमने NCERT में पढ़ा था, राइट। एक जो आपका किस में दिया गया है, आपकी बोर्ड की किताब में, तो बोर्ड की किताब में फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, प्रेशर। ऐसा आएगा ना, जितना ज़्यादा आप प्रेशर डालेंगे उतना ज़्यादा आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला के मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन सही है, S इज इक्वल टू KHP। चलो तो S इज इक्वल टू KHP आ गया। तो क्या क्या आप लोगों को पूछा गया है, सॉल्युबिलिटी पूछी है, राइट, और क्या दिया है आपको, KH की वैल्यू दी गई है 0.159, और क्या दिया है आपको, पार्शियल प्रेशर दिया है 0.164 atm, तो P भी दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला जा सकता है। यस, तो KH वैल्यू कितनी डाल दें, 0.159
मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्यूब तो 1 लीटर के बराबर ही होता है, तो हम इसको मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर 1.164 ATM। ये तो ATM में प्रेशर निकाला है रे बाबा, तो ATM से ATM तो कैंसिल होना ही वाला है। ATM से ATM तो कैंसिल हो ही जाएगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 10th का रीजन नहीं समझा सर, लेकिन इसको पहले बना लो, इसको पहले बना लो, क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर निकाल लो। 0.159 को मल्टीप्लाई करना है 0.164 से। पॉइंट 159 को मल्टीप्लाई करना है, 0.159 को मल्टीप्लाई करना है 0.164 से, बराबर। अब देखो आंसर कितना आएगा, 0.026076। हाँ तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, करेक्ट। ओके अभिषेक, देखो जरा आप लोग, आपको 10th वाला समझ में नहीं आया। जैसे हम प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में जब खाना पकाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अरे 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 अरे, प्रेशर बढ़ जाएगा ना, प्रेशर बढ़ गया, सो जब प्रेशर बढ़ गया है तो फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना। सपोज 1 ATM था, अभी 2 ATM हो गया है, तो 2 ATM हो गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन कुकिंग इज इंक्रीज्ड। हाँ करेक्ट ना, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना पानी का बॉइलिंग पॉइंट। देखो सुनो समझो आप, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अभिषेक, जब आपका अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नाउ अभी सपोज 1 ATM प्रेशर मैं बाहर से दे रहा हूँ, तो 1 ATM प्रेशर को करने के लिए मुझे यहाँ से टेम्परेचर देना पड़ेगा से सपोज 100 डिग्री सेल्सियस, तो ही मैं 1 ATM पे रीच कर पाऊंगा पानी का अंदर का प्रेशर। लेकिन अगर सपोज मैंने बाहर से ढक्कन लगा दिया, वेपर क्या कर दिया, प्रेशर कुकर में ढक्कन लगाते हैं, सीटी कर देते हैं, टाइट पैक कर देते हैं साइड से, तो अभी प्रेशर हो गया सपोज आपका 4 ATM हो गया, तो पहले तो पानी के वेपर प्रेशर को 1 ATM तक पहुंचना था गर्म होते होते, लेकिन अभी पानी के वेपर प्रेशर को गर्म होते होते कितना तक पहुंचना है, 4 ATM तक पहुंचना है, तो क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा, गर्म होगा ही नहीं, कितना टाइम लगेगा उस, क्या बोलते हैं, कितना उसको पहुंचना पड़ेगा, 4 ATM तक पहुंचना पड़ेगा। तो 4 ATM तक पहुंचा मतलब अभी ये पानी क्या है, जल ज्यादा गर्म हो गया, तो उस गर्म पानी में आपने कुछ भी अगर रखा होगा, राइस आलू जो भी, तो वो क्या हो जाएगा, उसको इतना ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है तो वो जल्दी पकेगा, तो जल्दी पकेगा तो हम क्या करते हैं, टाइम हमारा बच गया। राइट। ओके क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर 0.1 मोलर सोल्यूशन एंड 0.05 मोलर सुक्रो सोल्यूशन, जरा बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, 1.1 मोलर सल्फ्यूरिक यूरिया के लिए और 0.05 मोलर सुक्रोज के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जिबिटेड बाय यूरिया सोल्यूशन इज हायर देन दैट एग्जिबिटेड बाय सुक्रो सोल्यूशन। ओके क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया का सुक्रो से ज्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है, यूरिया और सुक्रोज तो 0.1 मोलर, तो जिसका क्या बोलते हैं मोलर मास ज्यादा होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा है तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, राइट ना। अच्छा दे आर आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाँ तो ये ऑप्शन तो सही है, ये ऑप्शन तो सही है क्योंकि इसका सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा है, राइट, सुक्रोज से, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इससे ज्यादा होगा। यूरिया सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक टू सुक्रोज सोल्यूशन, तो यूरिया सोल्यूशन आपका हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक टू सुक्रोज, ओके यस करेक्ट है ना, तो ये उसे खींच लेता है सुक्रोज से, क्या कर लेता है, खींच लेता है, तो उसके लिए हाइपरटोनिक हो गया, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बाहर रखा हुआ है। ओके दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, नहीं सुक्रोज सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू यूरिया सॉल्यूशन, करेक्ट है, दिस इज हाइपरटोनिक टू दिस, दिस इज हाइपरटोनिक टू दिस एंड दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, करेक्ट। सो सारे क्वेश्चंस बन गए MCQs एटलीस्ट, राइट, 10 में से 10 मार्क मिल सकते हैं। ओके आंसर द फॉलोइंग इन वन और टू सेंटेंसेस,
यस, तो ये तो क्या है, डिस्कस करना पड़ेगा। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, हमारे पीडीएफ में कहाँ मिलेगा, एकदम लिखा हुआ? यस, तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन। सर एमसीक्यूज को सॉल्व करके लिखना है क्या? एमसीक्यूज को सॉल्व करके लिखना है ना ऋतुजा, क्योंकि ये अभी आप लोगों का क्लास वर्क चल रहा है। अभी तो आप लोग पूरी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बोर्ड की तैयारी में तो फिर कोई ढीलापन नहीं होगा। हम भी तैयारी जब करते थे तो हम भी पूरा चीज मेंटेन करते थे, और फिर बाद में काम आएगा ना, एक बार इन्वेस्टमेंट है, बाद में वैसे भी काम आने ही वाला है ये सब चीजें आप लोगों। अच्छा डेफिनेशन कहाँ मिलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का? ये रहा, यस, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस इन एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो कुछ और है। इन्होंने अच्छा डेफिनेशन कहाँ उड़ा दिया रे? क्यों नहीं मिल रहा ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन? तो ये हाँ ये है ना, राइट, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस इन एन इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, और इसको डिनोट करते हैं पाई से, पाई इज इक्वल टू एम आर टी, राइट। इतना अगर लिख दोगे तो ये आपका आंसर वन हो जाएगा, दिस इज आंसर वन, मैंने ऐसे लिखा है, दिस इज आंसर वन, ठीक है। तो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन। तो आप जब बोर्ड में आंसर लिखेंगे तो इतनी सी लाइन और नीचे उसका फॉर्मूला एम पाई इज इक्वल टू एम आर टी होता है करके, बस उतना लिख देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिल गया। ए सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोलरिटी नॉट इन मोलेलिटी, वाई कंसिडरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर? ओके, देखो बोल रहा है कि जब कोई कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं तब मोलरिटी में हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, मोलरिटी में नहीं, क्यों? ऑस्मोटिक प्रेशर कंसिडर करके बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि हम मोलरिटी लेते हैं जबकि मोलरिटी नहीं लेते हैं, बताओ बताओ क्या है इसका आंसर, मोलरिटी लेते हैं और मोलरिटी नहीं लेते? ए सॉल्यूशन इस ये वाला क्वेश्चन में थोड़े देर से देखता है, ये वाला क्वेश्चन मुझे भी देखना पड़ेगा, वॉल्यूम है उसमें, वॉल्यूम तो है रे बाबा, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा देख के बताता हूँ ये वाला। ओके, राइट द इक्वेशन रिलेटिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, राइट द इक्वेशन रिलेटिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। हाँ ये देखो कि ये क्या आएगा, इसका तो सिंपल सा है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, इसको क्या है लिखना पड़ेगा आपको, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आएगा के बी मल्टीप्लाइड बाय एम। तो ये इक्वेशन हो गया ना, ये क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और एम क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लेन करना, बोर्ड में खाली इतना मत लिख के आना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम में लिखना भी, डेल्टा टी बी क्या है, राइट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी क्या है, राइट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एम क्या है, मोलालिटी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। सर सोल्यूशन वॉल्यूम से रिलेटेड है ना कि वेट से, इसलिए मोलालिटी लेते हैं, ठीक है, रुको रुको हम आते हैं।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट -4.3 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इफ Kf फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन किलीची पर मोल। हे भगवान क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है रे बाबा। 0.1 मोलर सॉल्यूशन लोगे K2SO3 को पानी में तो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा -4.3 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो वेंट ऑफ फैक्टर पूछा है, वेरी सिंपल, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो इसका आंसर देखो हम निकाल के बताते हैं आपको। चलो क्या है, डेल्टा Tf इज इक्वल टू होता है Kfm बराबर, व्हाट इज Kf, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है और ये किसके लिए निकाल रहे हैं, K2SO3 के लिए निकाल रहे हैं। तो K2SO3 के लिए अगर निकाल रहे हैं तो आपका I का वैल्यू कुछ तो रहेगा, दिस इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर। Kf का वैल्यू कितना है, 1.86 मोलेलिटी निकालनी है। तो मोलेलिटी कैसे निकालें, हाँ अभी मोलेलिटी कैसे निकालें, कहाँ गया मेरा PDF, ये रहा PDF। 0.1 मोलर दिया है, क्वेश्चन में दिया है कितना, 0.1 मोलर। अब डेल्टा Tf मेंशन करेंगे तो डेल्टा Tf क्या होता है, डेल्टा Tf होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे होता है ना, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो पानी, ये है आपके पास पानी, पहले क्या है सिर्फ ये वाटर है, और इस वाटर के अंदर हमने क्या मिला दिया, K2SO3 करके मिला दिया। जब K2SO3 मिला दिया तो आपके पास अभी पानी नहीं रहा, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है Tf नॉट और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा Tf, तो कौन बड़ा है, Tf नॉट, क्यों, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो पानी को भी डिप्रेशन आता है, हम इतने सोच जाता है कि इंसानों को डिप्रेशन आता है, Tf नॉट। तो पानी अगर ठंडा करना है तो कितने टेम्परेचर पर ठंडा होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं सोल्यूशन ठंडा हो रहा है -4.3 डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी डिप्रेशन हुआ कि नहीं। सो डेल्टा Tf कितना आया, चेंज इन द टेम्परेचर, तो 0 माइनस ऑफ -4.3 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, +4.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4.3 डिग्री सेंटीग्रेड लिखो या 4.3 डिग्री केल्विन लिखो, दोनों सेम सेम है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इज सेम। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे 4.3 विच इज इक्वल टू आई टाइम्स 1.86 टाइम्स 0.1। सो दिस वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाय 0.186, क्योंकि मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया उसको उसके साथ। नाउ 4.3 को डिवाइड करते हैं किससे, 0.186 से, 4.3 को डिवाइड करते हैं 0.186 से, 0.186 आंसर आ रहा है 23.11। हाँ तो आंसर कितना आया, 23.11 आया। ओके सो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 23.11। माई गॉड, ये वेंट ऑफ फैक्टर है कि क्या है, इतना बड़ा वेंट ऑफ फैक्टर, बहुत बड़ा है ये तो। अभिषेक ये करेक्ट है आंसर, आप तो सही लिख रहे हैं 23.11, बट इतना बड़ा वेंट ऑफ फैक्टर कभी आएगा, माय गॉड इतना बड़ा वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अच्छा व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर, अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, प्रूव करोगे तो व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर। चलो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगा, बुक में मिलेगा। तो वेंट ऑफ फैक्टर इधर लिखा है, अच्छा अच्छा साइड बाय साइड आंसर चेक करें ना, गुड गुड। सो टू ऑब्टेन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बाय यूजिंग रिलेशन फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट वेंट ऑफ फैक्टर सजेस्टेड अ फैक्टर आई। देखो ये वेंट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। और फिर आप ये आई की आई का ये लिख देना और आई का फॉर्मूला लिख देना, तो इतना आप लिख दोगे तो आंसर मार्क्स मिल जाएगा। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, ओहो अच्छा अच्छा स्क्रीन शेयर। चलो ये देखो, ये है वेंट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन। तो ये आंसर कहाँ है, कहाँ का आंसर है जरा चेक करते हैं, कौन से क्वेश्चन का आंसर था, ये क्वेश्चन था हमने लिया था क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन 5 का आंसर है वेंट ऑफ फैक्टर, आपको मिल रहा है पेज नंबर, रुको ये आंसर 5 है, पेज नंबर मिल रहा है
42। सीधा यही रटने का चले जाना, कुछ एक्स्ट्रा या ऐड डिलीट मत करना। पेज नंबर 42, ठीक है, इधर हमने पेज नंबर लिखा है, आप उसको रेफर कर लीजिए। अच्छा, हाउ इज वेंटो फैक्टर रिलेटेड टू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन? ये तो बढ़िया है कि वेंटो फैक्टर आयनाइजेशन से कैसे रिलेटेड है, तो ये क्या है, आपको फॉर्मूला लिख कर देना है, क्योंकि वन लाइन फॉर्मूला है। तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, देखो यहां पर हमने लिखा था ना, हाँ, डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, बराबर ये है आपका आई, कैसे डिस, ये है आपका फॉर्मूला। ये पेज नंबर कौन सा है जरा चेक कर लो, और फाइनली ये फॉर्मूला लिख के आप आ जाना, ये वाला फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन। तो ये आंसर है आपका कौन सा, आंसर नंबर 6। और पेज नंबर जरा चेक कर लेते हैं कितना है, पेज नंबर है 43। ओके, तो पेज नंबर 43 डिराइव करना पड़ेगा क्या? नहीं 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 डिराइव नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है, क्योंकि 1-2 लाइन का आंसर है ना। पेज नंबर 43 में आपको इसका आंसर मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइड बाई एन एन माइनस, और इससे पहले वो डेफिनेशन वो लिखना भी है वर्ड्स में। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव हायर डिप्रेशन पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड वाय? चलो ये क्वेश्चन तो हमने किए थे, 0.1 मोलर NaCl या 0.05 मोलर H2SO4 thrice, क्या इसका आंसर आएगा? देखो NaCl NaCl को तोड़ोगे तो 0.1 प्लस 0.1 बनेगा कितना, 0.2 बन गया, राइट। और भी आएगा, देखो Al2SO4 thrice को तोड़ो, Al2SO4 thrice को तोड़ो तो कितना आएगा, आएगा आपके पास 2Al3+ प्लस 3SO4 2-। तो 0.05 मोल को तोड़ा, तो 0.05 मोल को तोड़ा तो कितना बना, 0.05 और ये बन गया 0.05, तो इंटू 2 करेंगे तो आएगा 0.1, इंटू 3 करेंगे तो आएगा 0.1.5, ये तो 0.2 भी आएगा पक्का, 15 और ये 5, 0.25 आ जाएगा ना, बी आएगा। पॉइंट टू फाइव आएगा। तो अगर आप जरा इधर देखते हैं, 0.1 मोलर NaCl अगर आप लेके चल रहे हैं, राइट, तो इसको अगर हमने तोड़ा तो क्या बना, 0.1 Na+ प्लस आपका बना 0.1 Cl-। लेकिन अगर हम लेके चल रहे हैं 0.05 Al2SO4 thrice, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 0.05 × 2Al3+ प्लस 0.05 × 3SO4 2-, क्लियर ना? तो इधर आएगा 0.1 Al3+ प्लस इधर आएगा आपके पास 0.15 SO4 2-। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, राइट, कितना आएंगे, विच इज इक्वल टू 0.1 + 0.15, तो ये आ गया आपका 0.25 मोल्स। और इसमें अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विच इज इक्वल टू 0.1 + 0.1 0.2 मोल्स। तो कौन ज्यादा, जिसका ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्यादा है ना, तो जैसे लिखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन दिखा के नहीं बता सकते, आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो फिर कैसे आंसर मिलेगा आपको। तो छाप लिया सब लोगों ने, कॉपीड और नॉट कॉपीड, ओके, राइट, ऋषिकेश ने कॉपी कर लिया है, चलो
सब लोगों ने कॉपी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट राउल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल ए सॉल्यूट। तो इसका तो सीधा सीधा हमको फॉर्मल डेफिनेशन मिलेगा बुक में, राउल्स लॉ का। ये रहा राउल्स लॉ। हाँ देखो ये रहा ना, सो इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बस खत्म। फिर ये राउल्स लॉ लिख लेने के बाद आप क्या करना, ये भी लिखना P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। तो फिर उसके बाद ये लिखने का, ये भी क्या बोलते हैं एक्सप्लेन, ये लिख देना। तो इतना अगर लिख दोगे तो आपको अच्छे से कोई मार्क्स नहीं काटेगा, इतना था। तो ये आपका स्टार मार्क कर देते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर है रे, कौन सा क्वेश्चन का आंसर है ये? क्वेश्चन नंबर 8 का है। ठीक है, पेज नंबर क्या है? 31। तो पेज नंबर 31, तो आप लोग अपनी किताबों में इसे मार्क कर रहे हैं ना, जैसे जैसे मैं इस किताब में मार्क कर रहा हूँ, पेज नंबर 31 में आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इफ 1 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एंड वाई? ओके, तो सिंपल सा है, मिथाइल अल्कोहल अगर हम पानी में डालेंगे तो मिथाइल अल्कोहल इज ए सॉल्यूट, तो सॉल्यूट इज ए सॉल्यूट, सॉल्यूट को डालेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा। क्यों एलिवेट होगा? वाई पूछा है, क्यों एलिवेट होगा? इसलिए एलिवेट होगा क्योंकि वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा तो फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना सा ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। विच ऑफ द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन एंड वाई? बताओ इसका आंसर क्या है। इनमें से ऐसा कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मॉलिक्यूलर मास के डिटरमिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है? वाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि टेम्परेचर का कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको लिखवाया भी था यहाँ पर। हाँ यस, ये देखो इसका आंसर है यहाँ पर, आंसर नंबर 10। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मच लार्जर एंड देयरफॉर मोर प्रिसाइजली मेजरेबल प्रॉपर्टी देन एनी अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज देयरफॉर यूजफुल टू डिटरमाइन मोलर मासेस ऑफ वेरी एक्सपेंसिव सब्सटेंसेस। नहीं नहीं, ये अलग है, ये अलग इन्होंने दिया है, इन्होंने वो बॉक्स में था लेकिन इन्होंने वो टेम्परेचर के साथ कनेक्शन करके इसका आंसर नहीं दिया है। अरे टेम्परेचर करके कनेक्शन करके आंसर नहीं दिया है। अच्छा, इसका आंसर मिल गया, जो हमने गोला मारा था ना कि मोलरिटी इस्तेमाल क्यों करते, मोलरिटी इस्तेमाल क्यों नहीं करते, आंसर यहाँ पर है। सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोलरिटी वाइल कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर रेदर देन मोलरिटी। द रीजन इज दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट आर मेड एट ए स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सो इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन एट ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट लाइक मोलरिटी। तो ये कौन सा आंसर था आपका? आंसर नंबर 2 था ना, आंसर नंबर 2 था शायद। हाँ सही है, वही आया उसका आंसर। तो आंसर नंबर 2 था ये, 40 इसका आंसर आएगा। राइट, ये पेज नंबर 40 में इसका आंसर लिखा है। आंसर नंबर 2 का पेज नंबर 40 इसका लिख देता हूँ, पेज नंबर 40 में इसका आंसर है। ठीक है, ओके। तो इन्होंने आपकी किताब में इसका आंसर राइट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, वाई क्यों लिख करते हैं। तो देखो सिंपल सा आंसर है, मॉलिकुलर मास डिटरमिनेशन करने के लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर का क्यों इस्तेमाल करते हैं? रीजन, अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ऐसे लिखने का। अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर बट ऑस्मोटिक प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, दैट इज वाई इट इज यूज्ड फॉर द मॉलिकुलर मास डिटरमिनेशन फॉर हायर मॉलिक्यूल्स, हायर फॉर 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 लार्जर बायो मॉलिक्यूल्स विच डिग्रेड एट हाई टेम्परेचर। तो मैं लिख के दे देता हूँ आप लोगों के लिए, आसानी जाएगा। तो
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख क्या लिखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू मेजर मॉलिकुलर मास बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। देयर आर मॉलिक्यूल्स विच हैव हायर विच हैव लार्ज मॉलिकुलर मास विच हैव लार्ज मॉलिकुलर मास देयर आर मॉलिक्यूल विच हैव लार्ज मॉलिकुलर मास बट बट डिग्रेड और डिकम्पोज ईजिली एट हायर टेम्परेचर। टू मेजर सच मॉलिक्यूल टू मेजर मॉलिकुलर मास ऑफ to measure of such molecules requires a temperature independent quantity that is osmotic pressure। ठीक है, चलो ओके आंसर द फॉलोइंग। अभी देखो हमारे पास टाइम हो गया है 9:24 और हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए है आंसर थ्री में। हाउ वेपर प्रेशर लोअरिंग इज रिलेटेड टू राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, आपके नोट में लिखा रहेगा कि कैसे वेपर प्रेशर है ना बॉइलिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ है सॉल्यूशन के, नोट्स में रहेगा ना। डेल्टा टी इज इक्वल टू के पी एम, वो ग्राफ आता है, ग्राफ आता है, आपको इसमें ग्राफ बनाना है। ये न्यूमेरिकल्स करने में मजा आएगा, चार पांच न्यूमेरिकल है, बाकी तो सब ये हैं क्या बोलते हैं थ्योरी टाइप है। ठीक है, तो ये हम कल डिस्कस करते हैं, कल हमारा लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट है आप खुद से भी बना सकते हैं, ये सब क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर कोई कुछ डाउट रहा तो कल हम इसको डिस्कस करते हैं, राइट। तो कल 18 तारीख है, तो कल लास्ट से कल सर भी आ जाएंगे, तो परसों से आपका वो क्लासेस लेंगे। तो मेरा तो क्या बोलते हैं यहाँ पर आपका एक चैप्टर ओवर हो गया फॉर दिस। और आप लोग ये सब मेंटेन कीजिए नोटबुक में, राइट। मैं नहीं लूँगा ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का राजशेखर सर लेंगे, वो चालू करेंगे, ठीक है। रिवीजन नीट का शुरू कब करेंगे, हो गया ना नीट का रिवीजन चालू होने वाला है क्या बोल, पहले बोर्ड का तो ख़त्म हो जाए, नीट का रिवीजन में क्या है, बोर्ड का तो ख़त्म हो जाए पहले, ठीक है। चलो हो गया, थैंक यू, हरे कृष्णा।